कि उनके हाथ से उन्हें दिया जाए सौरभ हटारे। सौरभ तू का तिकड़े किसले ये जो बच्चा है ये चाइल्ड ऑटिज्म है मेंटली चैलेंज भी है उसका मूड के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पे कंपटीशन के दौरान थोड़ा सा वहां का माहौल देख के वो डिस्टर्ब भी हो गया लेकिन उसको एक अच्छी स्किल उसने खुद एक्वायर की थी। कोई भी पिक्चर करता था उसको सेव करता था उसने सब डिलीट किया लेकिन उसका फाइल सेव हो गया जो सेव होने की वजह से वो जीत गया। उनके साथ में शैला टीचर गए थे और वैसे देखा जाए तो वो संगीता टीचर के क्लास का लड़का है। तो चलो मैं दोनों को तो स्टेज पे बुलाता हूँ। कांग्रेचुलेशन सौरभ एंड उसके टीचर संगीता बेन शैला बेन एंड ऑल द टीचर्स जिनकी वजह से सौरभ यहाँ तक पहुंचा है। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी आज के इस फोटो तो निकाल देंगे बिल्कुल देंगे फोटो निकाल ले बेटा फोटो निकाल ले तेरी स्कूल में भी देंगे ना आपके टीचर्स कहाँ है हर टाइम में आते हैं। हाँ हमें बहुत आज इस प्रोग्राम में प्राउड फील हो रहा है बहुत खुशी हो रही है कि अपने स्कूल का बच्चा जिसने नॉर्मल बच्चों के साथ में कोई भी किसी की मदद लिए बिना थर्ड प्राइज उसको मिला है और ये आज के इस इंटीग्रेशन प्रोग्राम का फल है। वेरी गुड रोहित काजी एंड प्रोटी जयसवाल। कुछ दिन पहले एक मुंशी स्कूल में कनोसा स्पेशल स्कूल के 30 गर्ल्स चैन आए थे लड़की आई थी जो सातवीं आठवीं में पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि हमको बच्चों के साथ में आपके बच्चों के साथ में कुछ प्रोग्राम करना है। तो उनके उसी वक्त हमने दोनों बच्चों के मिलके टनल ब्रो करके गेम रखी थी जो ग्रुप गेम है। यहाँ पे लड़के उनके भागेंगे यहाँ पे लड़के हमारे भागेंगे और उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने तभी वो लड़कियों को हराया था। वो फिजिकल स्टेप वाली गेम है जिसमें बच्चे जीत सकते हैं लेकिन आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ आपके सामने आती है आप मेंटली कितने डेवलप हो ये दिखाई देता है तो उसमें भी हमारे बच्चे पीछे नहीं है। तो जोरदार तालियां हर दर्जी मॉडल स्कूल एंड आदित्य मुझे जो सर्वेश चौधरी है देखिए ये स्पर्धा तो उसने जीत ली और लोडा फाउंडेशन की तरफ से एक निबंध स्पर्धा है ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया है इसके लिए यहाँ पे वो उपस्थित है। पल्लवी अरे जोरदार तालियां सर्वेश चौधरी के लिए इसने तालियां रिदम में करो कैसे
सब टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे और बच्चे और बहुत सारे बच्चे सबको नमस्ते नमस्ते सभी नमस्कार। जो बच्चे आज जीते हैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई विश मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी होती। चलिए अगले बार फिर कभी ये मुझे बुलाएंगे तो फिर आ जाऊंगी और फिर मैं देख लूंगी। एंड जो जिन्हें प्राइजेस नहीं मिला प्लीज बिल्कुल निराश नहीं होना, बेशर्म हो जाना और प्रैक्टिस करना और अगले साल फिर भाग लेना और फिर प्राइज जीत के ही जाना। चलिए थैंक यू आप लोग मुझे। या मैं बोलने ही वाली थी कि भारती जी ने मुझे याद दिला दिया। मैंने उनको मैसेज किया था कुछ दिन पहले, मैं गवर्नर साहब श्री सी वी राव उनको मिलने गई थी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो उनकी पत्नी जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और कहा कि तुम क्या करती हो बताओ। तो काम की बात तो हो गई, फिर आप सोशल वर्क क्या कर रही हो। तो उन्होंने मुझे, मैंने एके मुंशी योजना ट्रस्ट का नाम लिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा स्पेशल बच्चों की पूरी तरह से मदद करते हैं, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आपको, आप सबको, टीचर्स पेरेंट्स बच्चे सबको इनवाइट किया है राजभवन में टू हैव चाय। मैं तो कहूँगी कुछ बच्चों को तैयार भी कर दीजिए जो कि ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस भी करिए उनके लिए और उनके साथ चाय पीजिए, एंजॉय करिए। राजभवन में आपके लिए निमंत्रण है, विच एवर डे इज कन्वीनियंट फॉर यू आप बता दीजिएगा एंड देन वी विल पुट यू इन टच। तो बच्चों एंजॉय करना, पेरेंट्स भी जरूर जाना, पेरेंट्स भी जरूर जाना। हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा भी सीखा है ना वो आप से सीखे। आपके साथ सर आपकी जब शायरी की किताब तैयार होगी ना हम सब एक खरीदेंगे। थैंक यू आपसे। माहौल बहुत ही रंगीन हो गया आज, सब एक खरीदेंगे। धन्यवाद थैंक यू। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भारती में ठीक है नहीं है, ये बात नहीं होती है। एक के मुंशी योजना होना जरूरी है, उनके टीचर्स को देखना जरूरी है। छुट्टी का दिन था, टीचर्स बोले नहीं इतने लंबे से फोन तो इसमें आएंगे जरूरी नहीं। हस्बैंडों के साथ में भी लाएंगे आप जरूर, भारती जी उनको बताइए। और मैंने आपका मैसेज उनको दिया और ये सारे टीचर्स उन्होंने इतना एंजॉय किया, दे ऑल अप्रिशिएटेड सो मच। आके बताया, वहीं से फोन किया, जूरी को मिले, हम लोग को बहुत अच्छा, पिक्चर इतनी सच्ची में अच्छी थी और दिल से हम लोगों ने वो जो कुछ आपने बताया है जो मैं बाद में देखूंगी तो वो आपने थैंक यू सो मच। हाँ आप जाती है, आपने अभी देखा वो पिक्चर उनकी आई तो पहले तो बताए थे हमने एक मुंशी के फंडरेजिंग के लिए भी, लेकिन हम लोग को शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने याद रखा अपने टीचर्स को, वही पढ़िए। दूसरा वहाँ पे गए गवर्नर के यहाँ तो वहाँ भी अपने को ही याद किया। हर जगह जाते हैं, हर जगह वो बोलते हैं भारती जी आपको जैसे कुछ भी बोलो तो एक मुंशी बोलती है। अभी मेरे को भी ऐसा ही हो गया, जो कुछ देखती हूँ उसमें सारा मुझे एक मुंशी दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। थैंक यू सो मच आपने दिल से हमको प्रेम करने के लिए। एक सुर में मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात।
तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय रे भारत भाग्य विधाता जय रे जय रे जय रे जय 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 रे भारत माता की भारत माता की भारत माता की ये एक मुंशी योजना ट्रस्ट के आंगन में हम लोग हैं और यहाँ पर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था। ये स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स के सब आए हुए थे और टैलेंट कॉन्टेस्ट ऐसा रखा कि स्पेशल बच्चों को कोई स्पेशल मार्क्स या स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं दिया, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ कम्पीट करने दिया डांस में और अलग अलग चीज़ों में एंड देन प्राइजेस वर गिवन आउट। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे पहली बार नहीं और भी काफी बार यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई 10-12-13 पता नहीं कितने साल हो गए हैं। इतने साल पहले भारती गांजावाला जी मुझे मिलने आई थी और उन्होंने कहा मुझे बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने नाना हाँ हाँ कर दिया। फिर जब वो आई और उन्होंने बातें शुरू की तो वो 10 मिनट नहीं, मैं कोई 1 घंटा उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें कह रही थी और मेरे आंसू निकल आए क्योंकि उन्होंने बताया कैसे जो स्पेशल बच्चे जो छोटे छोटे गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं वो माँ बाप के लिए, वो माँ बाप को लगता है कि जैसे कि बोझ हो गया तो उनकी परवरिश नहीं कर पाते क्योंकि पहले ही पैसे कम होते हैं तो और वो बच्चे कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाते तो बच्चे भी बेसहारा हो जाते हैं और पेरेंट्स पे भी बहुत बोझ हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को किसी भी पेरेंट को कभी मना नहीं करते, वो जो ज़रूरतमंद इनके पास आता है उन्हें अपना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं प्यार से, सिखाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उनकी कैपेबिलिटी के साथ, वो क्या कर सकते हैं, क्या वो बुन सकते हैं, क्या वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं या पोएट्री कह सकते, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉसम करवाते हैं। और आजकल जैसे कि NGOs जाते हैं एग्जीबिशन में, फेयर्स में, दिवाली के समय, तो यहाँ से आप उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं और वो पैसे बच्चों को जाते हैं और सिर्फ बच्चों की सहायता नहीं होती, यहाँ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग भी होती है, फैमिली को कोई भी मेडिकल ज़रूरत हो वो भी पूरी की जाती है। सो बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रो पड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये इतने खुशी से नाचते गाते मेरे लिए और मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे, तो मुझे लगता था कितनी बड़ी ये देन है कि मेरे सिर्फ आने से, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही इनके लिए, मैं तो सिर्फ तैयार होकर इनके लिए आ रही हूँ, मगर ये इतने खुश हो रहे हैं तो मेरा मैं क्या कहूँ कि मेरे आंसू निकल आते थे कि बाप रे, मेरे बस उपस्थित होने से ये सब इतने खुश हैं, तो मैं इतना ही करूं। तो आई थिंक ये दिस इज़ माई लिटिल सर्विस। हाँ, तो अब फिर सालों से मैं इनको इनके प्रोग्राम में तो आकर सपोर्ट करती हूँ, जो भी हो सके मैं इनके लिए कभी चेक भी लिख देती हूँ, तो मेरी तरफ से मैं जो करती हूँ आई थिंक बदलाव अपने से होना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो चाहे आप कुछ भी दे सकें दीजिए, कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, मैंने अपने गुरु से सुना था कि कभी किसी को ना नहीं बोलना, उन अगर आपकी हिम्मत इतनी सी है तो इतना ही करके देना, मगर ज़रूर कुछ थोड़ा या कुछ भी अपनी तरफ से करना तो भगवान की बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ओके, थैंक यू।
क्या बताते हैं,